सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है कहाँ गई गौरैया। गौरैया क्या है? एक छोटी सी चिड़िया है जो पहले हर आंगन घर में फुदकती हुई दिखाई देती थी, परंतु आजकल वह कुछ कम दिखाई देने लगी है और ना जाने ये पक्षी कहाँ लुप्त होती जा रही है। इस कविता में एक छोटी सी बालिका अपनी दादी से गौरैया की लुप्त होने का कारण पूछ रही है और दादी इस कविता के माध्यम से गौरैया क्यों हमें कम दिखाई दे रही है उसका कारण बता रहे हैं। यह कविता पक्षी प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस कविता को कवि परशुराम शुक्ल जी ने लिखा है। चलिए आइए कविता पढ़ते हैं। सब बच्चे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक किताब निकालेंगे। चुनमुन पूछ रही दादी से कहाँ गई गौरैया, घर आंगन चौके के अंदर चींची करती लगती सुंदर, बरसातों में फुदक फुदक कर करती ताता थैया, कहाँ गई गौरैया। इस पंक्ति में चुनमुन छोटी सी बालिका है जो दादी से पूछ रही है कि दादी वो जो छोटी सी जो चिड़िया थी गौरैया वो कहाँ गई, जो पहले हर घर आंगन चौके मतलब रसोई घर में हमें दिखाई देती थी, हर जगह चीची चीची उसकी मधुर आवाज़ सुनाई देती थी, बरसातों में जब भी बारिश होती तो वह फुदक फुदक कर नाचती ताता थैया, वो चिड़िया कहाँ गई, क्यों हमें वो चिड़िया भी दिखाई नहीं देती है। अगले पंक्ति में चुनमुन पूछ रही है, कभी कभी घर भीतर आती आकर अपना नीर बनाती, नीर क्या घोंसला, तुम कहती थी इन्हें देखकर खुश हो जाता भैया, कहाँ गई गौरैया। इस पंक्ति में चुनमुन पूछ रही है दादी से, दादी जब भी वो गौरैया पक्षी हमारे घर के अंदर आती और अपना घोंसला बनाती, इसे देखकर हम लोग कितने खुश होते और भैया भी इसे देखकर कितने खुश हो जाते थे, परंतु आजकल न वो चिड़िया दिखाई देती है न ही चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है, कहाँ गई है दादी ओ गौरैया। अब दादी अगले पंक्ति में चिड़िया के लुप्त होने का कारण बताती है। क्या कारण बताती है? दादी बोली भारी मन से, दादी क्या बोली भारी में, बहुत दुख से बोली है, अपनी नन्ही सी चुनमुन से, बहुत दुख भारी मन से छोटी सी बालिका चुनमुन से कहती है, वर्षा रूठी जंगल सूखे सूखे ताल तलैया, ताल तलैया क्या है, तालाब, रूठ गई गौरैया। दादी कहती है आजकल बारिश कम होने लगी है, जंगल सूखे पड़ने लगे हैं, अगर बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे कैसे निकलेंगे, कैसे हरे भरे होंगे जंगल, तो बारिश के कारण जंगल भी सूखने लगे हैं, अब जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो पशु पक्षी कैसे जिंदा रहेंगे, तो पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाएगी, कैसे रहेंगे, इसके कारण कि गौरैया हम लोग से रूठ कर कहीं और चली गई, जो हम लोग आजकल इस पक्षी को नहीं देख पा रहे हैं। चुनमुन चुप रही दादी, पूछ रही दादी से कहाँ गई गौरैया। दादी भारी दुखी मन से चुनमुन को बोलती है कि इन सब के कारण हम लोग ही दोषी है, हम लोग अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काटते चले गए हैं और पशु पक्षी को दुखी करते चले गए हैं, जिसके कारण ये जो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया गौरैया आजकल धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो इस कविता में पक्षी प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि हर मनुष्यों को पशु पक्षी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी भी हमारी तरह हंसते बोलते खेलते हैं और उनको जीना अच्छा लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये कविता समझ में आ गई होगी। इस कविता को आप लोग घर में एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे और कविता याद करेंगे। मैंने एक गृह कार्य आप लोग को दिए करने के लिए, कॉपी में आप लोग पहले गौरैया का चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद
पक्षी के बारे में 7 से 10 वाक्य कॉपी में लिखेंगे और इस कविता को आप लोग अच्छे से याद भी करेंगे। धन्यवाद।